बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं टस्का के गयूर और बहादुर अवाम को आज एक बार फिर खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि ना सिर्फ ये कि उन्होंने वोट दिया, अपने वोट पर पहरा दिया, बल्कि वोट चोरों को रंगे हाथों पकड़ा और अपने वोट का हक उन वोट चोरों से वापस छीना। अब जबकि आपके अज़्म और बहादुरी की वजह से ये हक आपको वापस मिल गया है, इस हक को यानी कि अपने वोट को इन आटा चोरों, चीनी चोरों, बिजली और गैस चोरों, दवाई चोरों और वोट चोरों को सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल करें। वोट दें तबाहकुन महंगाई के ख़िलाफ़, लाकानूनियत के ख़िलाफ़, कूड़े के ढेरों के ख़िलाफ़, तारीखी नाअहली और नालायकी के ख़िलाफ़। ये हुकूमत जितने दिन रहेगी अवाम पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ती रहेगी। मुझे बहुत फिक्र भी होती है, अफसोस भी होता है, जब एक तरफ अवाम महंगाई से पिस रहे होते हैं तो दूसरी तरफ बिजली और गैस के लंबे लंबे बिल अवाम की कमर तोड़ते हैं। मेरी डस्का के गयूर अवाम से अपील है कि पहले से ज़्यादा अज़्म, हौसले और जज्बे से निकलें, शेर पर मोहर लगाएं, नवाज शरीफ की तरक्की पर मोहर लगाएं और इस अवाम दुश्मन जाली हुकूमत के ख़िलाफ़ डट के अपना फ़ैसला सुना दें। मुझे यकीन है कि डस्का की बेटी नौशीन इफ्तखार, जिसने शेरनी की तरह आपके वोट की इज़्ज़त का मुकदमा लड़ा है और जीता है, इसी तरह वो मुंतखब होकर डस्का के अवाम का मुकदमा भी लड़ेगी और उनकी आवाज़ बनेगी। और मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि कल का सूरज मुस्लिम लीग नून और शेर की फतह की नवीद लेकर तुलू हो। शेर जिंदाबाद, नौशीन इफ्तखार जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, डस्का जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।